अपनी झूठी माँ की कसम खाएगी? नहीं ना। हाँ, कसम वो खाता है जो चोर होता है। विद प्रूफ खड़ी थी निशा लांबा, शब्दों से नहीं। आ जाइए, ये स्क्रीनशॉट शेयर हो जाएंगे आप लोगों के साथ। ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट आपके अभी मैं प्रोफाइल में डाल दूंगी। तो ये स्क्रीनशॉट में मैं यहां से दिखा रही हूं आपको। मैं सारे पॉइंट लिख के मैडम आपके, ये देखिएगा, हो जाता है जो रोता है जमाना उसके साथ हो जाता है। नहीं रोऊंगी मैं चोर नहीं हूं ना, नहीं रोऊंगी, मैं चोर हुई नहीं, रोऊंगी क्यों? दूसरा मैसेज, रुको देखो, निकालना पड़ेगा कोई। मुझे ये थोड़ी है कि ऐसे ऐसे बोला जाएगा। ये देखिए दूसरा मैसेज, यहां पे मैं एड्रेस छुपाऊंगी, यहां एड्रेस आया मेरे पास। हेलो दीदी, आपके SPF नाइट क्रीम एंड फेस वॉश व्लॉग का डॉक्यूमेंट दे दो दीदी। और कब तक आ जाएंगे दीदी? ₹5,000 दे दो दी। अंजलि दी कह रही है कि वो क्रीम का प्रमोशन 5,000 में करेंगी, वरना प्रोडक्ट रिटर्न दे देंगी। मैंने कहा प्रोडक्ट रिटर्न कर दो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग पुट कर दी थी, आप लोगों ने चेक कर ही लिया होगा कि क्या हुआ है निशा जी के साथ। निशा जी ने कल एक वीडियो डाली थी और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंजलि चौहान जी की। अंजलि चौहान सबसे पहले टिकटॉक पे फेमस हुई थी, फिर इंडिया में टिकटॉक बैन होने के बाद वो लोग अंजलि दी इंस्टा पे आ गई है। इंस्टा पे अपनी रील्स वगैरह अपलोड करने लगी हैं, जिससे इंस्टा पर भी वो काफ़ी अच्छी इन्फ्लुएंसर बन गई है। तो भाई निशा जी जो है, निशा जी ने कल ही एक पोस्ट डाली थी कि उनका जो प्रोडक्ट है वो अंजलि चौहान जी ने ले लिया है, और अंजलि दी ने बोला था कि भाई वो अगर उनका प्रोडक्ट यूज़ करेंगी तो या तो उनका वो प्रमोशन कर देंगी, नहीं तो वो स्टोरी पर लगा देंगी। और अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लगभग एक मंथ हो गया है इस चीज़ को। जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी अंजलि दी के पास पहुंच चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक उनके ना ही कोई पैसे दिए हैं, ना ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर उस वीडियो से रिलेटेड कोई पोस्ट करा है, और ना ही वो उन्होंने ये बोला है कि मैं आपका प्रोडक्ट रिटर्न कर दूँगी। और मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा ही दिया है, जो कि निशा दी ने भी दिखाया है। सो गाइस, प्लीज़ आप अगर आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं तो प्लीज़, अगर उन्होंने आपको किसी उम्मीद से अपना प्रोडक्ट भेजा है, और चलो मान ले अगर आप अपने इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं लगाते हो, फिर स्टोरी नहीं लगाते हो, तो एटलीस्ट उनका प्रोडक्ट है जो बिल्कुल सेम अमाउंट में, सेम बिल्कुल अच्छे तरीके से निशा दी का जो प्रोडक्ट है आप उन्हें वापस कर दो। क्योंकि भाई मेहनत की कमाई हर किसी को अच्छी लगती है, कोई भी मुफ्त का नहीं खाता है। अगर मेहनत करोगे तो आप लोगों को भी गुस्सा आएगा। निशा दी बहुत ही सुलझी हुई लेडीज़ हैं, ऐसा उन पर कुछ भी नहीं, जो वो होता है मुँह पे बोलती है। अगर उनके साथ गलत हुआ है तो उन्होंने वो चीज़ दिखाई है। भाई हर कोई मेहनत करता है, हर अगर मैं भी मेहनत करूँगी, मैं भी अगर मेरा कोई ऐसा सामान जाएगा तो ऑब्वियसली बात है मुझे भी दुख होएगा, क्योंकि भाई मेहनत की कमाई हर किसी को अच्छी लगती है, मुफ्त का कोई भी नहीं खाता। और भाई अगर आप अंजलि चौहान जी, अगर आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, और इतने बड़े इन्फ्लुएंसर होने के बाद भी अगर आपके औकात नहीं थी कि भाई अगर उनके जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको आप या तो रिटर्न कर दो, और अगर रिटर्न नहीं करना चाहे तो या तो उनके पैसे दे दो, और अगर पैसे भी ना दे, दीदी कह रही चलो मेरे पैसे भी ना दो, तो एटलीस्ट उनकी जो स्टोरी है वो पोस्ट कर दो। और मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रूफ दिखाया था गाइस कि उन्होंने मैसेज किया हुआ है कि वो 5K लेंगी, और बल्कि निशा दी की ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी, ना ही उन्होंने बोला था कि मेरे चैनल को प्रमोट करना। क्योंकि स्टार्टिंग में ही हुआ था कि वो आई थी, उन्होंने अपना आई थिंक एक्सटेंशंस करवाई थी, और उसके बाद उन्होंने बोला था भी मुझे ये फेस क्रीम वगैरह, फेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए। तो उन्होंने, निशा दी ने अंजलि चौहान को जो भी प्रोडक्ट्स थे वो उनको सेंड कर दिए। फिर उन्होंने एक मंथ तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, ना ही कुछ। फिर निशा दी ने ही बोला कि भाई अगर आप मेरे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ उसकी पेमेंट करो, चाहे वो कितने भी प्रोडक्ट हो। तो उन्होंने पेमेंट से भी मना कर दिया, और भाई अगर आप किसी चीज़ का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट उसकी पेमेंट करो। तो अंजलि चौहान जी, एटलीस्ट आपको या तो आप उनका प्रमोशन कर दो, नहीं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो सारा उनको वापस कर दो। और भाई मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जो इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, इतने फेमस होने के बाद ये लोग इतनी घटिया हरकत करते हैं, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।
हाँ माना आजकल बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इन्फ्लुएंसर है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ का प्रॉमिस करते हो तो प्लीज़ एटलीस्ट उस प्रॉमिस को पूरा करो, किसी को धोखा मत दो, क्योंकि जो भी करता है सब अपनी मेहनत से करते हैं। और अगर आप मेहनत करते हो किसी भी चीज़ पर, अगर आप अपना हार्डवर्क देते हो, अपना 200% देते हो, तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, आप लोग उसका कम से कम, अगर आपने 200% दिया है तो आप उसका 400% रिफंड भी चाहोगे, क्योंकि आपने मेहनत करी है उस चीज़ पर, इस मुकाम पर पहुँचने के लिए आपने उस चीज़ पर बहुत दिन रात मेहनत करी है। और फिर भी उसके बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको धोखा मिलता तो गाइज आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि आपको कैसा लगेगा। सो गाइज मेरा तो आपसे यही बोलना है कि प्लीज़ ऐसे किसी को धोखा ना दो, क्योंकि हर कोई मेहनत करता है। मेहनत करना गाइज बहुत, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ऊपर उठ जाएगा कोई, बहुत मेहनत लगती है ऊपर उठने में और बहुत टाइम लगता है। सो गाइज प्लीज़ ऐसे किसी को धोखा बिल्कुल भी मत दो, और अगर आप किस चीज़ का प्रॉमिस करते हो तो उसको कम से कम अगर 100 ना हो तो एटलीस्ट 50% तो करो। और अंजलि चौहान जी तो बात भी नहीं कर रही है, बल्कि उनका मैनेजर उनकी तरफ से बात कर रहा है, अंजलि जी तो खुद भी बात नहीं कर रही है। सो गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। गाइज बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।